तो दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं। आपके तो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के बारे में सारा डिस्कस करने वाला हूँ। जब से मैंने चैनल शुरू किया है, जब से लेके आज तक मेरे चैनल के बारे में क्या क्या हुआ है, वो सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। अगर आप भी YouTube क्रिएटर हो तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो गलती आज मैंने किया है वो गलती आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका सारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार, जो आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते होंगे, और मेरे चैनल का नाम है DK411, जिस पर 33,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और फिर भी मेरा चैनल जो है आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा मैंने कौन सा गलती कर दिया था जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया? तो दोस्तों, आपने मनोज दे का नाम तो सुना ही होगा, जिसने 1 साल पहले YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में उसने साफ साफ बोला था कि दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करो और 2-3 लाख रुपए हर महीने कमाओ, वो भी बिना फीस दिखाए। और वो वीडियो मैंने भी देखा था, और वो मेरा पहला गलती था जो मैंने उस बंदे की वीडियो को देखा। और दूसरा गलती मैंने उस दिन किया जिस दिन मैंने उसकी कही हुई बात को सच मान लिया था, और मैंने भी अपने चैनल पर फिल्मों के कुछ शॉर्ट्स डालने शुरू कर दिए। और कुछ दिन बाद मेरा भी चैनल जो है ग्रो होने लगा, लाखों में व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर भी मुझे अच्छे मिले। 6 महीने में ही मेरा शॉर्ट्स क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, मुझे भी बेहद खुशी मिली, और मैंने सोचा अब मेरा भी सपना जो है बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, और मैंने भी चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो दूसरे ही दिन मुझे एक मेल आया YouTube की तरफ से, जिसमें साफ साफ लिखा था, योर चैनल इज नॉट अप्रूवल फॉर YouTube मोनेटाइजेशन। इसका साफ साफ मतलब है, आपका जो चैनल है अभी तक पैसे कमाने के लिए सक्षम नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम आपकी इस मोनेटाइजेशन की अपील को अस्वीकृत करते हैं। तो दोस्तों, वो मेल पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे भी लगा था कि मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने इतने बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो किया और उनकी बात को सही मानकर अपने चैनल पर काम किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप भी यूट्यूब क्रिएटर हो और इस पर यूट्यूब पर काम करना चाहते हो, तो अपनी कंटेंट, अपना खुद का कंटेंट की वीडियो बनाओ दोस्तों। दूसरे के बहकाए में ना आवें, या किसी दूसरे की अब वीडियो को अपने चैनल पर बिल्कुल ना अपलोड करें, क्योंकि दोस्तों, दूसरे की चीज़ का हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और फायदा हमें उसी का मिलता है जो हम अपने दम पर और अपनी मेहनत से जो काम करते हैं, उसी का फायदा जो है हमें मिलता है। कहीं भी देख लो दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, आपको मेरी बात थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और चाहे किसी को बुरा लग जाओ, मैं किसी की बुराई कर नहीं रहा। जैसे बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये मतलब उम्मीद करता हूँ कि अब अगर आप मेहनत करो तो अपने बल पर ही करो, दूसरे का कंटेंट मत चुराओ और ना ही डालो। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो अपना कंटेंट बनाओ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन अपना बनाओ, उसी से आप जो है सफल हो पाओगे, वरना आपका मेहनत सारा बर्बाद हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का यही मतलब था, आपको जागरूक करना, हमारी सोच आपको जागरूक करने की है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, जय हिंद।